देखिए यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन में दी हुई है, कहता है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये कितने वेरिएबल में, टू वेरिएबल में एक्स और वाई में, ठीक है ना। कहते हैं ऐसे ही आपने क्या करना है, एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी टू वेरिएबल में, सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड, कि इस तरह से लिखने के जब उनकी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप करें उस पेयर की, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आना चाहिए, फिर दूसरे पार्ट में पैरेलल लाइन्स के लिए करना है, और थर्ड में हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंट लाइन के लिए, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इसको करने से पहले आपने क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए आपने देखना है उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है ना। तो देखिए ए वन अपान ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू, अगर ऐसा आ रहा हो दो लीनियर इक्वेशन को कंपेयर करने पर, तो इसका मतलब होता है कि लाइंस आपस में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, और सॉल्यूशन का क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है ना, और कंसिस्टेंट भी होती है, ठीक है ना। इससे पहले हम क्वेश्चनों में कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे अगर मान लें कितना 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 अपॉन 3 है और अगर 3 अपॉन 2 आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होगा, तो उस केस में हमारे पास क्या लाइन्स क्या होंगे, आपस में इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है ना। तो ये हमने बनाई आपकी तरफ से दूसरी, ठीक है ना, उसने कहा ना ऐसे ही हमने क्या करना है, एक और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बना के दिखा लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं आंसर इसका सेकेंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में क्या है, लाइंस आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है आपके पास, ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू बट डज नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू, पैरेलल में आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, और इनकन्सिस्टेंट होती है, ठीक है। तो एक्चुअली हमें यहाँ सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए शो करना है, तो एक हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी हमें क्या करनी है, खुद बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ मान लेते हैं कितना 4x, ठीक है, प्लस 6y, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर कितना प्लस 2 मान लेते, ठीक है, कितना मान लेते, 2 मान लेते, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप इसको कंपेरिजन करो तो क्या आएगा, ए वन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वन अपान ए टू क्या आएगा हमारे पास, 2 अपान 4 आएगा, ठीक, बी वन अपान बी टू हमारे पास कितना आएगा, 3 अपान 6 आएगा, एंड सी वन अपान सी टू हमारे पास कितना आएगा, माइनस 8 अपान 2 आएगा। तो इसको करो आप, 2 अपान 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा 4 1 अपान 2 आएगा, ठीक, और 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा 6 माना यहाँ भी कितना आएगा, 1 अपान 2 आएगा, लेकिन यहाँ आप करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2 वन ज़ा 2 टू 4 ज़ा 8 माइनस 4 आएगा, एंड माइनस 4 अपान क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ आपने देखा कि ए वन अपान ए टू क्या हो रहा है, बराबर है बी वन अपान बी टू, लेकिन ये जो है सी वन अपान सी टू के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास लाइन्स है उसमें क्या है, पैरेलल है, और उसमें नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक। तो ये ही रही हमारे पास कंसी इसकी दूसरी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास कंस है थर्ड एंड लास्ट पार्ट, ठीक है। देखिए कोइंसिडेंट लाइन्स, तो कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है, हमारे पास ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू सी वन अपान सी टू होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कितना है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ कर क्या कर देते हैं, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप चेक करें ए वन अपान ए टू कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 2 अपान 4, बी वन अपान बी टू कितना आ रहा है आपके पास, 3 अपान 6 आ रहा है, एंड सी वन अपान सी टू कितना आ रहा है आपके पास, माइनस 8 अपान माइनस 16, ठीक है। तो यहाँ आप इसको क्या करो, डिवाइड करें, 2 वन सा 2 टू 2 सा 4, तो 1 अपान 2 आएगा, ठीक। उसी तरह से बी वन अपान बी टू देखें, 3 वन सा 3 3 2 सा 6, तो 1 अपान 2 यहाँ भी आएगा। उसी तरह से यहाँ भी देखें, 8 वन सर 8 8 2 सर 6 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या बनेगा, 1 अपान 2 आएगा। तो आपने देखा ए वन अपान
ए टू वन अपन टू आर है, बी वन अपान बी टू ये भी वन अपन टू आर है, और सी वन अपान सी टू यहाँ भी देखिए ये भी वन अपन टू आर है, ठीक है ना, ऊपर देखा हमने, ठीक है। इसका मतलब ये होगा ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू इज इक्वल टू सी वन अपान सी टू, और जब आपके पास इस तरह से आए सारा इक्वल आए तो उस केस में हमारे पास जो लाइन्स होती है आपस में कोइंसिडेंट होती है, मतलब जब ये लाइन लगी हुई है तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी पड़ेगी बिल्कुल इसी के ऊपर, ठीक है। तो ऐसी लाइन्स को कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो सोल्यूशन होता है वो इन्फिनाइट होते हैं, मैनी सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और ये भी क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, ठीक है। तो इस तरह से होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर सेवन, जिसको हम अब अलग से नेक्स्ट वीडियो में उसमें